पार्ट लेंगे जो हमने ये ट्राउज़र की कटिंग की है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का एक पीस लेंगे। अब इसमें जो है हम ये देखिए मियानी को जॉइंट करेंगे ये इस तरीके से। ये देखिए जो मेरा ये गोलाई वाला शेप है ये इसको हम नीचे रखेंगे और इसी तरीके से इसे घुमा के इसको हम जॉइंट करेंगे। तो हम नीचे से ही इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ से बराबर करिए सिलते जाएंगे आप ये बराबर हो जाएगा। फ्लैट सीम वाली सिलाई लगा देंगे यानी कि चपटी सिलाई। ये देखिए ज्वाइंट कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट को यहाँ से देखिए ये फ्रंट वाला ही पार्ट है आप नाप लीजिए ये बैक पार्ट नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों मेरा बराबर है तो ये फ्रंट पार्ट ही है ये गलत ना होने पाए। अब देखिए यहाँ से मैं ऐसे इसको घुमा घुमा कर अब यहाँ तक ज्वाइंट करेंगे। ये ऊपर से आपको रखना है ये वाला देखिए इस वाले पार्ट को। कपड़ा आप बराबर करते जाइए इसे घुमा लीजिए। डायरेक्शन भी आप देखिए इधर साइड ही रहेगा और इधर साइड ये रहेगा ऐसे करके। वाले पार्ट में अब हम इसी तरीके से बैक वाले पार्ट में भी मियानी को जॉइन करेंगे। ये देखिए ये हमने कटिंग में आपको दिखाया था ना कि हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये 8 है। पार्ट में ही मेरी पॉकेट लगेगी ठीक है ऊपर की साइड। अब इसको ये देखिए ये जो हमने ये कट किया है पॉकेट ये देखिए जो नीचे का शेप हमने दिखाया था आपको नाप कर 6 इंच यही वाला हम ऊपर रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ही नीचे ले आएंगे ऐसे इसको छोड़ देंगे ये देखिए इतना ये हुआ। अब यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग की थी ये 8 है ये मुझे 6 चाहिए था तैयार। तो यहाँ से आप 1 इंच इधर निशान लगाइए और 1 इंच इधर निशान लगाइए ये देखिए हो गया। अब ये देखिए 6 है ये कम्प्लीट 6 है।
तो ये इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं पॉकेट में, जैसे भी शेप आपको चाहिए, गोलाई शेप या फिर ऐसे ऐसे वाला शेप, कोई भी शेप आप दीजिए। ये आपके ऊपर है, तो मुझे थोड़ा सा ही चाहिए, इतना हम यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन करेंगे और ऐसे ही ये देखिए निशान लगा के दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से शेप करेंगे इसके। देखिए यहाँ से आपका ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है, इतना। देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए एक इंच मेरा, ये देखिए एक इंच ऊपर से आप छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए, ये फिक्स नाप है। अब यहाँ से इसको बराबर करिए, इसे तो वैसे इसको घुमा दीजिए, ये देखिए ये मेरा हाफ इंच है, ये हाफ इंच है। अब हाफ इंच से ऐसे इसी निशान से ऐसे करके ये जो निशान है जिसको हम घुमा रहे हैं, ये देखिए यहाँ भी हमने किया, ये हाफ इंच मेरा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, और यहाँ भी हाफ इंच से ऐसे हम मुड़ जाएंगे। इसको कटिंग कर दीजिए, ये देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करिए, कोना आप कट करिए, हल्का सा कपड़ा ना कटने पाए, ये कट करने पर फोल्ड बहुत अच्छे से होता है। थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दीजिए, यहाँ पे भी हम देखिए तिरछी कटिंग करेंगे, ये ना। अब इसको आप हाथ से सेट कर दीजिए ऐसे, जैसे हमने कटिंग की है ऐसे तरीके से, ये देखिए ये कटिंग करने के लिए देखिए काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, ये देखिए कलर के हाथ से हम सेट कर देंगे थोड़ा थोड़ा इसको शेप में, इस तरीके से ऐसे इधर भी हम कर देंगे, सेट कर देंगे थोड़ा थोड़ा इसको शेप में, इस तरीके से ऐसे इधर भी हम कर देंगे, अब एक बार आप ऐसे कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। अब इसी पे हम ये सिलाई कर देंगे, ये देखिए बारीकी सिलाई, यहाँ से फिर आप ऐसे इसको घुमा लीजिए, ये देखिए ये इस तरीके से होगा। अब ये वाला पार्ट जो है ये नीचे वाला, ये ऐसे इसको नीचे वाले से, ये देखिए ये एक बार फिर से आप देखिए ये ऐसे है, ठीक है। अब ये जो मेरा नीचे वाला पार्ट है ये, इसको आप सीधा कर लीजिए समझने के लिए, ये हुआ। अब इसको ऐसे ये देखिए इस तरीके से ऐसे पहले हम यहाँ से ही तो सिलाई कर देंगे, सीधा कर लेंगे ऐसे,
नीलम ब्लाउज। नीलम ब्लाउज निकलना ऐसे इसके सिलाई कर दें। ये मेरा पॉकेट इस तरीके से देखिए मेरा हाथ भी काफ़ी अच्छे से सिला हुआ है। ये देखिए अब इसको ऐसे ही स्टिचिंग कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बट हो गई। ये देखिए इसमें हम हाथ डाल के आपको दिखाते हैं अंदर करके। ये देखिए बहुत ही आराम से ये हो गया। अब जब इसको हम साइड वाला ज्वाइन करेंगे तो कुछ ये मुझे यही वाला पॉकेट चाहिए था, ऐसे ही अंदर हो जाएगा जब हम सिलेंगे साइड ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए हम उल्टा करके भी दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आया है। अभी हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं। इसी जैसे हम इधर ज्वाइन किए वैसे हम उधर भी ज्वाइन करेंगे। ये मेरा राइट साइड ज्वाइन हुआ, इधर मेरा लेफ्ट साइड, यानी कि दोनों साइड ही आपका पॉकेट इसी तरीके से ज्वाइन होगा। अब ये देखिए इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। नीलम चलो ऐसे इसके सिलाई कर दें। ये मेरा पॉकेट इस तरीके से देखिए मेरा हाथ भी काफ़ी अच्छे से सिला हुआ है। ये देखिए अब इसको ऐसे ही स्टिचिंग कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बट हो गई। ये देखिए इसमें हम हाथ डाल के आपको दिखाते हैं अंदर करके। ये देखिए बहुत ही आराम से ये हो गया। अब जब इसको हम साइड वाला ज्वाइन करेंगे तो कुछ ये मुझे यही वाला पॉकेट चाहिए था, ऐसे ही
ये अंदर हो जाएगा जब हम सिलेंगे साइड हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं उल्टा करके भी दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक आया है। और ये हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं, इसी जैसे हम इधर जॉइंट किए वैसे हम उधर भी जॉइंट करेंगे। ये मेरा राइट साइड जॉइंट हुआ, उधर मेरा लेफ्ट साइड, यानी कि दोनों साइड ही आपका पॉकेट इसी तरीके से जॉइंट होगा।